प्रदेश के अमेठी में शनिवार को बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के साथ स्थानीय सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सहित तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान नितिन गडकरी ने अमेठी में 753 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान केंद्रीय महिला विकास बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के साथ ही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि 5 दशक तक अमेठी में उन्होंने राज किया है, उनके साथ आज कोई नहीं है। इस मौके पर स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के पिछले दिनों के दौरे की ओर इशारा करते हुए दावा किया कि उनकी सभा में भीड़ जुटाने के लिए छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और संत कबीर नगर से लोगों को बुलाया गया। मैं तो कहती हूं मेरा यहां जितना स्थानीय नेतृत्व तो बैठा है उनको बुला लें एक बार, और कांग्रेस का वो नेतृत्व जो प्रकट होता है 5 साल में एक बार, वो आके बतला दे अमेठी की जनता को कि कब उनके युवराज ने एक साथ 2 साल में 83,000 करोड़ का काम करवाया हो। हिम्मत हो तो आकर इसी धरती पर बतला दे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।